नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिसार आदमपुर पिछड़ावर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कुलदीप विश्नोई पर निशाना साधते हुए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अनुरोध किया है कि आदमपुर के उपचुनाव में इस बार पलटू राम कुलदीप विश्नोई को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी जनहित कांग्रेस बनाने के बाद वे बहुजन समाज पार्टी, फिर भाजपा और दोबारा कांग्रेस में आने के बाद एक बार फिर भाजपा में आ चुके हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आरएसएस वाले अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार ओबीसी विरोधी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को मात्र 8% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा दी गई है। सरकार जातीय जनगणना नहीं करवा रही है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। कैप्टन अजय यादव ने आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के समर्थन में सिसवाल, काबरेल, जगान और किशनगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके जयप्रकाश जेपी को जिताकर कांग्रेस को मजबूत करने का अनुरोध किया। आदमपुर से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का ये तो दलाल थे अंग्रेजों के, इन्होंने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी थी, दलाल थे आरएसएस के लोग, तो केवल स्वार्थ की राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति, जनता के अपने आदमपुर के लोगों को भूल गए, अपने स्वार्थ की राजनीति। और मैं आपको आज कहता हूं, मैं ये बीजेपी में नहीं रुक सकते, कितनी पार्टियां बदलनी है भाई। बीएसपी से इन्होंने वो बीएसपी से कर लिया और बीजेपी से कर लिया, कांग्रेस में आ लिए, कितनी पार्टियां बदलोगे भाई। इनको सबक सिखाओ, कुलदीप बिश्नोई जी को जो बार बार पार्टी बदलते हैं, पलटू राम जी जो बन रहे हैं बार बार पलटी मार रहे हैं, और साथ साथ हम भी एक मैसेज जाना चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।